हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 6.2 एक्सरसाइज का थर्ड सम। इन फिगर है, उसमें ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है। हमें ये ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है। ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है और एपी पैरेलल सी डी दिया हुआ है ई एफ परपेंडिकुलर सी डी। ई एफ परपेंडिकुलर सी डी तो ये है ई एफ, ऐसे है, ऐसे यहाँ पर एफ है और यहाँ पर ई है। ई एफ जो है वो सी डी पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है और एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। जी ई और डी, ये वाला एंगल, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने कौन कौन से एंगल फाइंड करने हैं। एंगल ए जी ई और जी ई एफ और एफ जी ई, ये तीनों एंगल फाइंड करने हैं। ये तीनों एंगल हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम अब करेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने एंगल ए जी ई फाइंड करना है। तो ए जी ई, ये वाला एंगल ए जी ई इजिकल टू एंगल ए जी ई इजिकल टू एंगल जी ई डी, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Alternate interior angle when two parallel lines intersected by a transversal, then the angle in the interior on the opposite sides of transversal. ये transversal है, इसकी एक एक्सिस साइड एंगल बनता है, एक इस साइड एंगल बनता है, ये वाला। ये हमें 126 का दिया हुआ है। Therefore, angle AGE is equal to हो गया 126 degree का। तो एक angle हमारा निकल गया। दूसरा हमने फाइंड करना है जी ई एफ। तो जी ई एफ ये वाला एंगल है, तो एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, तो हमारा जी ई डी एंगल जो है वो 126 का है। तो जी ई डी जो एंगल है वो है बराबर जी ई एफ प्लस एफ ई डी, ये 126 का है। तो देयरफॉर एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 माइनस एंगल एफ ई डी और 126 माइनस 90 बराबर आ गया 36 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है वो 36 का आ गया, ये दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने तीसरा एंगल फाइंड करना है एफ जी ई। तो एफ जी ई यानी के ये एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर है। देयरफॉर एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 इज इक्वल टू हो गया 54। तो ये हमारे तीनों एंगल निकल गए।
ठीक है, ये हमारा 36 का आ गया और ये 90 है और ये 126 को 180 में से ये 126 माइनस करके ये 54 आ गया। 54 और 36 90 हो गया, तो ये 90 है। ठीक है, हमको ये एंगल इसके बराबर करना है अल्टरनेटिव डिवाइडर करके, फिर इस एंगल में से 90 माइनस करके ये निकालना है, और ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर हैं।